गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज का जो वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी ब्राइड्स हैं या फिर जो भी गेस्ट लोग जिनको भी मैरिज पार्टी या किसी भी तरीके का पार्टी वाला कोई भी ओकेजन अटेंड करना है, सो गाइस ये वीडियो है उन्हीं के लिए कि हाउ टू मेक योर स्किन टू मच ग्लोइंग। इवन आपको ये पता है मॉइस्चराइज करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो गाइस ये रेमेडी जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस वीडियो में जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आराधना हूं, मैं हमेशा स्किन टिप्स और हेयर केयर टिप्स और बहुत सारे नेचुरल रेमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूं। सो गाइस आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बड़ा शेयर यदि पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते अपना वीडियो। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पेस्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी स्किन को ग्लो करने में, और उसके साथ में गाइस आपका यदि बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होगा तो उसको मॉइस्चराइज करने में, एंड गाइस यदि आपको बहुत सारे टैनिंग्स हो चुके होंगे तो ये उसको भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो गाइस ये जो रेमेडी है ये आप कर सकते हो अपने घर पे ही ट्राई, और ये बहुत ही अफोर्डेबल में हो जाएगा, मतलब कोई भी इसमें आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर के चीजों को यूज करके भी इस तरीके की रेमेडी को यूज कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि इस पेस्ट में मैंने क्या क्या मिला हुआ है। सो गाइज आपको बता देती हूँ, इस पेस्ट में है कर्ड, एंड गाइज उसके साथ में है हल्दी, एंड गाइज उसके साथ में है बेसन, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मैंने सिर्फ यूज़ किया है, और यदि आप बैटर चाहते हो तो आप इसके साथ में हनी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हनी भी आपके उसमें स्किन के टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो गाइज आपको बता देती हूँ जो यहाँ पे मैं कर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के भी एक्शंस पाए जाते हैं। और गाइज ये क्या करता है कि आपके स्किन को सूदिंग करने में, और यदि आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो ये उसको मॉइस्चराइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और उसके साथ में गाइज आपको बता देती हूँ कि टर्मरिक जो मैं यूज की हूँ ये आपकी स्किन को फेयरनेस और स्किन टोन प्रोवाइड करेगी, एंड गाइज उसके साथ में जो मैंने बेसन यूज किया है वो आपके टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो गाइज देखिए मैंने इस पेस्ट को पहले ही ऑलरेडी तैयार कर रखा है, आपको भी कुछ इसी तरीके का पेस्ट यूज करना है, ठीक है। सो गाइस आपको बता देती हूँ इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं देखिए अभी मेरा स्किन एकदम क्लीन है तो मैं इसको यूज करूंगी, आपको भी सेम इसे देखिए। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मुझे यहाँ पे डार्क स्पॉट, मतलब यही पे पिंपल हुआ था तो उसका डार्क स्पॉट रह गया था, तो ये उसको भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं उसको देख अप्लाई कर रहा हूँ। सो गाइज यदि कोई भी ब्राइड है ना तो उसको लगभग एक हफ्ते पहले से इसको एक बार, मतलब मॉर्निंग में नहाने से पहले वो यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके स्किन में यदि टैनिंग वगैरह या फिर पिंपल्स के स्पॉट्स होंगे या फिर वो का जो भी मतलब कि स्किन यदि वो ग्लो चाह रहे होंगे तो वो उनको आसानी से मिल सकता है एक हफ्ते पहले से। और इसको अप्लाई करके सिर्फ 15 मिनट तक के लिए रखना है आपको स्किन पे, उसके बाद में आप इसको आराम से धुल सकते हो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फेस पे पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब इसको सिर्फ मैं 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद में तुरंत फेस वॉश करूंगी, और फेस वॉश करने के बाद मैं आपको जरूर अपना स्किन का रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसको यूज करने के बाद मुझे किस तरीके का रिजल्ट मिला है। तो चलो वेट करते हैं 15 मिनट के लिए। A few moments later. So guys, आप देख सकते हो कि मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको स्किन को क्लीन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिजल्ट अच्छे तरीके से पता चल सके। So guys, आप देख सकते हो कि मेरा स्किन किस तरीके का लग रहा है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मेरा स्किन कितना क्लीन हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग आपको एक हफ्ते तक यूज़ करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट टाइम पे ही मैंने यूज़ किया है, और देखिए मुझे यहाँ पे पिंपल का स्पॉट हो गया है, और ये भी यदि मैं लगभग 3-4 दिन तक मैंने यूज़ कर लिया तो ये जो स्पॉट हल्का फुल्का है ना ये भी खत्म हो जाएगा। एंड गाइज इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है यदि मैं इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर ली तो, ठीक है। सो गाइज आपको भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इसको अच्छे तरीके से यूज़ करिएगा यदि आप किसी भी ओकेजन पार्टी में अटेंड करने वाले हैं तो, और यदि आपको कोई अटेंड नहीं करना है फिर भी आप अपने नेचुरल बेसिस पे भी आप अपने स्किन को ग्लो करने के लिए आप इस तरीके की रेमेडी को यूज कर सकते हो। सो गाइस यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, बड़े से शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।